दोस्तों, ये आदमी अपनी बुजुर्ग माँ को लेकर हज पर आता है और इसकी वालिदा बहुत ज्यादा बुजुर्ग होती है, तो इसलिए ये अपनी पीठ पर अपनी माँ को बिठाकर हज करा रहा है। माशाल्लाह, मैं सभी मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह के टैटू इन लोगों ने बनवाए हैं, आप अपने हाथों पे अपने बदन पर इस तरह के टैटू बिल्कुल भी ना बनवाएं, क्योंकि बदन पर टैटू बनवाना या कोई नाम लिखवाना एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस्लाम के अंदर ये हराम काम है, तो आप भी ऐसे कामों को करने से बचें। दोस्तों, काबे शरीफ की इस वीडियो को भी देखें। इसमें एक बहुत ज्यादा उम्र के हाजी काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि हाजी जी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखिए किस तरह से मदीना और मक्का की पुलिस और गार्ड लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, पब्लिक की खिदमत करते रहते हैं। मक्का और मदीना का कोई भी गार्ड और कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं है जो हाजियों की सेवा ना करता हो, हाजियों की खिदमत ना करता हो। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में हाजियों की खिदमत करने में लगा रहता है, माशाल्लाह। छोटे हाजी की इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से इस छोटे से हाजी की मदद कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है, और ये छोटा सा मासूम हाजी भी आपको बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा होगा। ये वीडियो हज के दौरान काबे शरीफ का है, जहां पर हजरे अस्वद को चूमने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि हजरे अस्वद का बोसा लेने से इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हर कोई इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि मैं भी हजरे अस्वद का बोसा ले लूं। हजरे अस्वद को चूमना हर किसी के नसीब में नहीं होता है।